अब तक आपने सुना कि दुष्ट तांत्रिक का बेटा और उसका गुरु निशा को अपनी जाल में फंसाने के लिए आश्रम की एक साध्वी का सहारा लेते हैं। वे साध्वी को एक मायावी धागा देकर कहते हैं कि किसी तरह इस धागे को निशा की कलाई पर बांध दे। पर साध्वी जिस लड़की की कलाई पर धागा बांधने की कोशिश करती है वो तो निशा होती ही नहीं है, वो तो निशा के रूप में बैठी एक खौफनाक प्रेतनी होती है। निशा की पूर्व जन्म की बहन लक्ष्मी की क्रोध और बदले की आग में जलती भयानक आत्मा वो साध्वी को जलाकर भस्म कर देती है और इस तरह दुष्ट तांत्रिक इस बार भी निशा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्पीयर बॉक्स में, और आप सुन रहे हैं आश्रम का तीसरा भाग। साध्वी के मर जाने के बाद दुष्ट तांत्रिक निशा की रक्षा करने वाली प्रेतनी को बस में करने का उपाय सोचता है। वो लक्ष्मी की आत्मा को अपने बस में करने की ठान लेता है। तभी उसे अपने आसपास किसी महादुष्ट और ताकतवर आत्मा के होने के संकेत मिलते हैं। ये संकेत मिलते ही वो अपने चेलों को शमशान घाट में चलने का आदेश देता है। चलो, पास के शमशान घाट में कोई मुर्दा जल रहा है। उस मुर्दे की आत्मा बेहद दुष्ट और पापी आत्मा है। मुर्दा जलने से पहले उसे बस में करना होगा। उसका आदेश पाते ही सभी चेले उठ खड़े हुए और वो तांत्रिक उनके साथ शमशान घाट जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपनी तंत्र सिद्धि का जोर दिखाया और उस पापी चंडाल आत्मा को बस में कर लिया। पर जैसे ही तांत्रिक उस आत्मा को अपने मंत्रों में बांधने लगा तो वो तड़पने लगी, उसके बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगी। उसने घोर भयंकर और डरावना रूप धारण कर लिया, ऐसा भयंकर रूप कि मानो तांत्रिक और उसके सब चेलों को वही मार डालेगी। उसने तांत्रिक से कहा, छोड़ दे तांत्रिक, मुझे अपने बंधन में मत बांध, मुझे आजाद कर दे वरना बहुत पछताएगा। उसका गुस्सा देखकर तांत्रिक ने उसे समझाया, तुझे बस एक बिगड़ैल आत्मा को मेरे बस में कर आना है, उसे मेरी कैद में कर, जैसे ही वो मेरी कैद में आ जाएगी मैं तुझे आजाद कर दूंगा। तांत्रिक से ही भरोसा पाकर वो दुष्ट आत्मा कुछ शांत हुई और तांत्रिक की मदद करने को तैयार भी हो गई। फिर तांत्रिक उसे लेकर अपने आश्रम के ठिकाने पर आ गया। वहां आते ही उसने हवन यज्ञ करना शुरू कर दिया और तंत्र मंत्र के पाठ पढ़कर अपनी तांत्रिक शक्तियां जागृत करने लगा। हवन कुंड में ज्वालामुखी की तरह आग की लपटें उठ रही थी और तांत्रिक का चेहरा लाल अंगार सा दिख रहा था। तांत्रिक के बंधन में बंधी सभी आत्माएं जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। चारों तरफ भूत प्रेतों की दहशत का माहौल बन गया और तभी वहां क्रोध में दहाड़ते हुए लक्ष्मी की आत्मा प्रकट हुई। उसने खौफ दिखाते हुए तांत्रिक से कहा, बाजा तांत्रिक, बाजा, मत बांध मुझे बंधन में, मैं तेरे बंधन में ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी, मार डालूंगी तुझे, सर्वनाश कर दूंगी तेरा। पर निर्दय तांत्रिक ने उसकी एक ना सुनी। उसके बंधन में बंधी सभी दुष्ट आत्माएं लक्ष्मी के पीछे पड़ गईं और तांत्रिक के शमशान घाट में मुर्दे पर उस पापी आत्मा को आदेश दे डाला, ए चंडाल आत्मा, इस खूंखार प्रेतनी को माटी की इस हांडी में कैद कर इसे, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो कैद कर दे। ये कहकर तांत्रिक ने माटी की उस हांडी को हवन कुंड के पास रख दिया। पापी आत्मा की शैतानी शक्ति जाग उठी और लक्ष्मी पर कहर ढाने लगी। लक्ष्मी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर उस दुष्ट शैतानी आत्मा का मुकाबला न कर सकी। उस शैतानी आत्मा ने लक्ष्मी से खूब तांडव करवाया और उसे हांडी में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही लक्ष्मी की आत्मा उस माटी की हांडी में घुसी, तांत्रिक ने हांडी के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। तांत्रिक और उसके चेले खुशी से नाचने लगे और खूब जश्न मनाया। उसके बाद तांत्रिक ने अपनी जुबान के मुताबिक उस मुर्दे की पापी आत्मा को अपने बंधन से आजाद कर दिया। अब आजाद आत्मा क्या करने वाली है, जानने के लिए बने रहिए दीपिका स्फीयर बॉक्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें,
साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी ही खौफनाक कहानियां सबसे पहले आप सुन सकें। धन्यवाद।